हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तीसरे कानून का कॉन्टेंट आपको याद होगा, स्पीकर सर, डरते क्यों? डरते क्यों? छोड़ो, तू हिले छोड़ छोड़ो। स्पीकर सर, दादा दादा स्पीकर सर, आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात, आप सर सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें, बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। चार लोग चलाते हैं, मैंने आप दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो नो, आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य, आप आसन कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और मनोपली ले जाइए। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट पे चल साइलों में रखेगा, कांग्रेस पार्टी, ये कोई ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर, सर मैं आया हूँ, मैं अध्यक्ष जी, मैं अध्यक्ष जी आपको कह सकता हूँ, आपने बजट के लिए सत्ता के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ। एक भी बैठे माननीय सदस्य, प्रधान आज बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये तीन ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो।
दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा, और जब वही किसान कंज्यूमर बनके अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है। राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया, आप उसी पे राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर, ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सबका भी अपमान कर रहे हैं सर, कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान मजदूर छोटे दुकानदार व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर, रूल 218 सर, रूल सर द डिबेट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड अरे बिदुरी द डिबेट ऑन अप्रोप्रिएट बिल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इंप्लॉयड इन द ग्रांट कवर्ड बाय द बिल which have not already been raised, while the relevant demands of grants were under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get these all these documents? Sir, statistics कहाँ से आए? इसको authenticate करना है. रिपोर्ट बन जाएगी. चलिए. बैठिए. आप बोलने दे रहे क्या? सर आपने माइक बंद कर दिया. बोलने दीजिए. बैठिए. माइक बंद कर दिया सर आपने सर. बैठिए. आप तो डिस्टर्बेंस कर. आप बोलने दीजिए ना. आप कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अजीर रंजन जी, अजीर रंजन जी, अजीर रंजन जी को बताया सर 214 अगर रूल 214 सर डिस्कशन ऑफ ए जनरल कलेक्टर सर डिस्कशन ऑफ ए जनरल कलेक्टर में भी अलाउड ऑन द मोशन और अमेंडमेंट मूव दिया टू बट द डिटेल्स ऑफ द ग्रेंट शैल नॉट बी डिस्कस फर्दर देन इज नेसेसरी टू डेवलप द जनरल पॉइंट सर डिस्कशन ऑफ जनरल पॉइंट इज अलाउड सो डिस्कशन इट इज द डिस्कशन ऑफ जनरल पॉइंट इज अलाउड इन द रूल बुक डिस्कशन ऑफ जनरल पॉइंट अच्छा बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं आए तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में क्यों चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर दादा पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज सिंपल यू लिसन टू दिस सर प्लीज 349 इट सेज व्हाइल द हाउस इज सिटिंग ए मेंबर टू शैल नॉट इंटरप्ट एनी मेंबर व्हाइल स्पीकिंग बाय डिसऑर्डरली एक्सप्रेशन और नॉइजेस और इन एनी अदर डिसऑर्डरली मैनर वाइल ऑनरेबल मेंबर राहुल गांधी स्पीक बोले तब तो जिन्होंने डिस्टर्ब कर रहा है तब तो आप ये क्या कर नहीं था क्या कर नहीं था अभी तो बोले ही पांच मिनट
दो हम दो हमारे दो वो आपको याद होगा वो फोटो होती थी चार हम दो हमारे दो क्यूट से चेहरे थे सुंदर सुंदर चेहरे मोटे मोटे चेहरे हम दो हमारे दो खैर इससे होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं इस देश के मजदूर हैं छोटे व्यापारी हैं इनका धंधा बंद हो जाएगा इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नई चीज नहीं है ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है पहला अटेम्प्ट ये पहला नहीं है ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था पहली चोट नोटबंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मजदूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया किसानों को बर्बाद कर दिया वहां नहीं रुके फिर गए जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स पांच अलग अलग टैक्स और फिर से उन्हीं विचारों पर आक्रमण उन्हीं किसानों पर उन्हीं मजदूरों पर उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण फिर कोरोना आता है कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए नहीं 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 तुम्हें नहीं मिलेगा तुम पैदल घर जाओगे मगर टैक्स माफ जरूर होगा जरूर होगा पांच दस उद्योगपतियों का टैक्स होगा मान्य सदस्य नहीं देते एक मिनट बैठिए मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूँ इधर भी आग्रह कर रहा हूँ माननीय सदस्य आज बजट पर चर्चा है चलो चलाओ मैं आ रहा हूँ सर बजट पे सर मैं आ रहा हूँ बजट पे मैं सर पांच मिनट में बजट पे आ रहा हूँ मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ अभी फाउंडेशन नोटबंदी फिर जीएसटी फिर कोरोना के समय उन्हीं चार पांच दस लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ मगर हुआ क्या हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है सीधी सी बात और आज नहीं कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है किसान की मजदूर की छोटे दुकानदार की स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन नहीं है आपको बात अभी समझ नहीं आई है ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है
किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो, ये आप सोचते हो। आप ये सोचते हो, आप लिख के ले लो मुझसे, किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने का की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए, एक साथ हम सब मिलकर किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी, अलग चर्चा किसान मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनकी इन लोगों ने, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट माननीय माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए। माननीय, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, और कोई भी माननीय सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो नहीं, नहीं आप बोल रहे, पहले आप बोल लो, तो बोल रहे तो आप बोलने कहां दे रहे हैं। तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है, और ये गरिमा में भी नहीं, क्योंकि इसलिए मैं माननीय सदस्यगण आग्रह करूंगा कि हमें सैनिकों के प्रति सबका सम्मान है, पूरे सदन का सम्मान है, 130 करोड़ जनता का सम्मान है, लेकिन सदन की गरिमा और संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय तो मुझे लिखकर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन कम से कम सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है उसको करें। मैं देखूंगा इसको, ठीक है। अनुराग ठाकुर जी, माननीय सदस्य प्लीज
आपको इजाजत नहीं दी मैंने, आपको इजाजत नहीं, आपका कोई नोट नहीं हो रहा। जनता मार दी ना आप लोगों को। नहीं बजट करते हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरवीन कर सकते हैं मंत्री, वो पेपर लेकर हाँ। बैठा मैं लिखने के लिए, चर्चा के बीच में राज्य मंत्री के रूप में इंटरवीन कर रहे हैं। बजट पे बोलेंगे वे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, और मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूं बजट पे बोले। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर इंटरवीन करने का अवसर दिया। मुझे तो लगा था कोई वरिष्ठ सदस्य मुझसे पहले बोल रहे हैं, उसको इस सदन की रूल्स की जानकारी होगी और ये भी पता होगा कि जब एक एक विषय पर चर्चा पहले हो जाए इस बजट पर, यानी कि उस विषय पर दोबारा चर्चा वापस नहीं होती है। तो लोकसभा में राहुल गांधी का बयान जमकर घेरा सरकार को, बजट पर चर्चा होनी थी लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा किसानों पर बोलूंगा नहीं बोलूंगा बजट पर, बड़े उद्योगपति जितना चाहे स्टॉक करें लिमिट नहीं, देश को चार लोग चलाते हैं, हम दो हमारे दो को लेकर घेर लिया सरकार को राहुल गांधी ने, किसानों कारोबारियों और मजदूरों को नुकसान, डंके की चोट पर दावा किया राहुल गांधी ने सदन के भीतर कि किसान एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा आपको हटा देगा, सरकार देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है, ये तमाम जो कटाक्ष थे वो राहुल गांधी की तरफ से किए गए, फिलहाल बैठ गए हैं बोलकर लेकिन उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाली है सरकार पर। पहला कानून में क्या खामी, तीसरे कानून में, दूसरे कानून में क्या खामी, ये उन्होंने एक एक करके गिनाया है। कहा पहले कानून का कंटेंट मंडियां खत्म कर देगा, दूसरा कानून जमाखोरी को बढ़ावा देगा राहुल गांधी ने, तीसरे कृषि कानून को लेकर कहा कि तीसरा कानून कोर्ट जाने से रोकेगा, आप पूछते हैं काला क्या है, लीजिए बता दिया। पहली चोट नोटबंदी थी, राहुल गांधी ने ये जिक्र किया ये कहते हुए कि पहली दफा नहीं है, पहली चोट इन्होंने नोटबंदी कर लगाया, गरीबों का पैसा अमीरों को दे दिया। राहुल ने फिर से जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा, पूरा देश हम दो हमारे दो के खिलाफ खड़ा हो रहा।